अस्सलामुअलैकुम कुंचिवा, हेलो, दिस इज़ आरिफ फ्रॉम साइतामा यूनिवर्सिटी जापान। और आज का एक बड़ा इंतहाई बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है कमेंट बॉक्स में या जो हमारे चैनल है उसमें, यह है कि जापान में अगर मैं आ जाऊँ तो मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ, ये क्विकली बता दें। और ऑफकोर्स वही पे कितना एक मंथ वहाँ पर रेट क्या है, यानी मैं एक घंटे में कितने कमा सकता हूँ। तो रिगार्डिंग घंटा, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी हमने एक वीडियोस बनाई हुई हैं ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पर शायद देख भी चुके हों। नंबर एक तो यह है कि जापान में आप कितना काम कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के वीज़ा पर आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो डिपेंडेंट लोग होते हैं वो कराते हैं, तो उनको जो है वो 28 घंटे यहाँ पर काम जो है वो अलाउड होता है, यानी वीक में बता रहा हूँ, एक हफ्ते में वो 28 घंटे काम कर सकते हैं। इसी तरह जो बाकी के वीज़ा की कैटेगरीज हैं, फ़र्ज़ करें आप बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हैं या आप जो भी आपकी कंपनी का वीज़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली 40 आवर्स तक भी अलाउ होता है। मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 40 घंटे है, और 40 घंटे मीन्स तकरीबन 8 घंटे पर डे बन जाते हैं। तो ये लीगल यानी यहाँ पर जो अलाउड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अभी क्विकली रिगार्डिंग जो सैलरी है, लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि मैं कितना जापान में कमा सकता हूँ, तो उसका ये होता है कि जापान की सैलरी जो है वो ऑफकोर्स एक तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, जापान के किस पार्ट में हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जापान के अंदर भी ऐसा ही है, जिस तरह पाकिस्तान में लाहौर है, कराची है, और फिर आप कह लें फ़र्ज़ करें मियाँ वाली भक्कर है या बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं। खैर, फैसिलिटीज़ तो सेम है, जस्ट बलूचिस्तान से मिला दें कि दूर हैं सिटीज़ से। तो अगर तो आप सिटीज़ में हैं, जिस तरह टोक्यो में हैं आप, तो टोक्यो में मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट हर जॉब जो है वो 1000 से प्लस स्टार्ट होती है, यानी 1000 से ऊपर ही है पर आवर में बता रहा हूँ। 1000 येन, 1000 येन जो है वो पाकिस्तानी फ़र्ज़ करें इस तरह वक्त कोई 1500-1600 रुपए, और अगर 1000 येन से ज़्यादा है, 1200 है फ़र्ज़ करें, 1100-1200, तो कोई 2000 के करीब पर आवर। और आप बाकी अब मल्टीप्लाई कर लें इसको। और अगर आप ज़रा दूर हैं तो वहाँ पर 900 तक भी है, 1000 तक भी है, डिपेंड करता है, चेंज करता है। तो ये जस्ट क्विकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिगार्डिंग आवर्स जो है वो आपके वीज़ा की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। एज अ टूरिस्ट तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप काम नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वीज़ा ले लेते हैं तो जिस कैटेगरी का वीज़ा है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर आपके घंटे डिसाइड होंगे और फिर आप उसमें जॉब जो है वो कर सकेंगे। और बहुत अच्छा वेदर बना हुआ है जापान का, देखें कितना नीट, क्लीन, ग्रीन। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर लिसनिंग।